हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मजा आएगा पढ़ाई करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मात्र तीन स्टेप में। चलिए स्टार्ट करता है पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप में क्या करें, इसको डिवाइड किया जाता है, जो वैल्यू डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखी जाती है, जो भी हमारा एलिमेंट है। LHS मैंने लिखा एंड LHS लिखा, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में, जल्दी सीख जाएंगे। सोडियम का वैल्यू 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3 प्लस 3 टोटल देखा 6, 3 एंड 3 टोटल 6। देन हाइड्रोजन 1 प्लस 2 दे रखा है, देन नाइट्रोजन इज 1। क्लियर, सारे एलिमेंट हमारे नोट हो गए। यही काम आप साइड भी कीजिए। सोडियम इज 1, देन हाइड्रोजन 2, देन कार्बन इज 1, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 प्लस का 1 टोटल दे रखा है 6, 6 ये भी दे रखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन 6, देन नाइट्रोजन इज 1। क्लियर, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आता है सेकंड स्टेप में, आता है सेकंड स्टेप में पता लगाते हैं कि रिएक्शन हमारे बैलेंस है नहीं बैलेंस। चलिए चेक करते हैं और पता लगाते हैं। सोडियम 1 सेम है, हाइड्रोजन 2 सेम है, कार्बन 1 सेम है, ऑक्सीजन 6 एंड 6 सेम है, नाइट्रोजन 1 सेम है। तो आप देख सकते हैं सारे सारे नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मीन से हमारी केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस होती है, कभी कभी नहीं होती। यही आप मुझसे सीख रहे हैं, आपने इस रिएक्शन से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।